The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर परमजीत। दोस्तों, बात करेंगे आज कोरोना वायरस के ट्रीटमेंट के बारे में। और ट्रीटमेंट जो एडवाइज किया जा रहा है, जो चल रहा है दुनिया भर में, उसके बारे में। और ट्रीटमेंट को समझने से पहले थोड़ा सा बेसिक आपको समझना पड़ेगा फटाफट वायरस के बारे में, कि कोई भी वायरस एक नॉन लिविंग थिंग होती है, क्योंकि वो एक जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए आरएनए का पीस होता है, जिसके आसपास एक कैप्सूल होता है जो आपके अंदर जा सकता है थ्रू सम अदर रूट, कभी खून से, कभी जैसे एचआईवी का वायरस खून के द्वारा जाता है, हेपेटाइटिस का वायरस जाता है, हेपेटाइटिस ए का वायरस आप ही के हाथ से जाता है फीको ओरल रूट से, और ये कोरोना वायरस और फ्लू का वायरस छींकने से और फिर हाथ से भी जा सकता है। सो आपके अंदर जाने के बाद ये आपके ब्लड में जाके सेल्स में जाता है और सेल की मशीनरी को हाईजैक कर लेता है। हाईजैक मींस वहाँ पे सेल के अंदर वाले डीएनए जहाँ पर रेप्लिकेशन होता है, वहाँ इस वायरस का रेप्लिकेशन होने लगता है। इस तरह से हाईजैक करके वो सेल वायरस से भर जाता है और सेल फिर वो फूट जाता है, वायरस उससे निकल जाता है, या वायरस अपने ही कैप्सूल बना बना के निकल के ऐसे सारे सेल्स को इन्फेक्ट कर देता है। इसी वजह से फिर वो सेल्स काम करने बंद कर देते हैं और उस ऑर्गन में आपको सिम्टम आने शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे रेस्पिरेटरी वायरस जाएगा तो लंग खराब होगा, और मुंह के थ्रू जाएगा तो लिवर और पेट खराब होगा हेपेटाइटिस ए में। तो इस तरह वायरस काम करता है। और वायरस को रोकने के लिए कोई स्पेशल दवा नहीं आती। वायरस को रोकने के लिए हम कुछ दवाएं आती हैं कुछ वायरस को रोकने के लिए, उसमें क्या करते हैं, यही उसका रेप्लिकेशन का प्रोसेस रोका जाता है। अब सवाल आता है कि इस कोरोना वायरस के रेप्लिकेशन को रोकने के लिए क्या करें, और उसके वजह से जो डेथ हो रही है कुछ लोगों की, सबकी नहीं, हमें ऑलरेडी हमारे सारे वीडियोस में बताया हुआ है कि क्यों लोगों की डेथ हो रही, किसकी हो रही, किसको रिस्क है किसको नहीं है। तो लोगों की डेथ हो रही है वो जो ऑलरेडी रिस्क में है, ऑलरेडी बीमार हैं, जिनको हार्ट की, लिवर, लंग की कोई सीरियस बीमारी है, कैंसर्स हैं, कीमोथेरेपी चल रही है, डायबिटीज अनकंट्रोल्ड है, या फिर ओल्ड एज है, 70-80 साल के हैं, ऐसे लोग। सो इन लोगों को बचाना भी जरूरी है, इसीलिए आपको फैलने नहीं देना है, ऑलरेडी एक्सप्लेन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि ट्रीटमेंट क्या करना होता है। ये ना सिर्फ आपको समझने के लिए है, ये दुनिया भर के डॉक्टरों को समझने के लिए है। CDC ने पहले तो ये गाइडलाइन बनाई कि अगर ये COVID-19 की बात करें, ये COVID-19 कोरोना वायरस के वजह से जो हो रही है, सबसे पहला तो आपको पहचानना है कि ट्रीटमेंट किसको करना है, राइट? डायग्नोसिस कैसे होगा, कैसे डायग्नोस होगा वेदर अ पेशेंट विद फीवर। ऑब्वियसली बात है, पेशेंट को सिम्टम होगा तभी आप डायग्नोस करेंगे, नॉर्मल पेशेंट को थोड़ी देते जाएंगे, राइट? सो सिम्टम होगा तो किस सिम्टम में क्या डायग्नोसिस, और क्लिनिकली आप डायग्नोसिस कैसे बनाओगे। जिस पेशेंट को फीवर है उसके बेसिकली देखो, कोरोना वायरस को डायग्नोस करने के लिए तीन क्राइटेरिया है, सिंपल क्राइटेरिया। क्राइटेरिया वन, आपको फीवर होना चाहिए और साइंस होने चाहिए लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के। गले खराब को अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन बोलते हैं। लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में सांस फूलने लगता है और खांसी आ सकती है, सर्दी जैसी चीज, आपको सर्दी भी हो सकती है, लेकिन गला खराब, सिर्फ गला खराब अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, सांस फूलना इज लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। अगर आपको लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट नहीं पता तो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन बाय डॉक्टर एजुकेशन टाइप करेंगे, वो अलग वीडियो ऑलरेडी डिटेल में बना हुआ। तो अगर आपको फीवर और साइंस एंड सिम्टम है लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के, और आपके एक हिस्ट्री है ऐसे कॉन्टैक्ट की कि आप किसी ऐसे जगह से आए हैं या कोई ऐसे पर्सन के कांटेक्ट में आए हैं जो ऐसी जगह से आया है जहां पे COVID-19 फैला हुआ है, तो आपको हम क्लिनिकली COVID-19 मान सकते हैं। या फिर अगर आपको आपकी खुद की ऐसी ट्रैवल हिस्ट्री है 14 दिनों के अंदर अंदर जिसमें आपके सिम्टम शुरू हो रहे हैं, तो फिर आपको भी COVID-19 की डिजीज के हिसाब से माना जा सकता है। याद रखिए, सांस फूलना होना चाहिए, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होना चाहिए। या फिर अगर कोई एक्सपोजर की हिस्ट्री नहीं है, कोई रिस्क नहीं, पता नहीं कि भी आप बाहर गए नहीं गए, आपको किसी का कॉन्टैक्ट हुआ नहीं हुआ, लेकिन फिर भी आपको बुखार है, बहुत ज्यादा लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो रहा है, और जैसे इन्फ्लुएंजा हो रहा है लेकिन आपके एरिया में एक्चुअली पाए गए हैं कहीं ना कहीं, लेकिन आपका कॉन्टैक्ट की हिस्ट्री नहीं है, तब भी रिस्क के लिए टेस्टिंग किए जाती है।
तब भी आपको डायग्नोसिस के लिए लिया जा सकता है। अब इसमें रिपोर्टिंग जरूरी है, मतलब आप अगर डायग्नोस होते हो तो आपका रिपोर्ट होना चाहिए ताकि पता चले कितने केसेस हैं। आपके टेस्टिंग जरूरी है, स्पेसिमिन कनेक्शन कलेक्शन जरूरी है। इसके लिए जैसे हमने बताया है 50-52 लैब्स को ऑथराइज किया गया इंडिया में, जिसमें आपकी टेस्टिंग होती है। उसमें आपका नेजोफैरिंग्स या ओरोफैरिंग्स, मुंह के अंदर डीप या नाक के अंदर डीप, ये इससे, या फिर बलगम अगर आ रहा है तो बलगम की जांच होती है, जिसमें जिसमें बलगम जबरदस्ती नहीं निकालना है, आ रहा है तो उसकी जांच होती है, जिसमें के आपका कोरोना वायरस का आरटीपीसीआर से टेस्टिंग होती है कोरोना वायरस के प्राइमर को लेके। इस तरह से आपका डायग्नोसिस होता है और उसके बाद फिर शुरू होता है कि अगर ट्रीटमेंट क्या करना है। याद रखिए, देयर इज नो ड्रग और बायोलॉजिकल एजेंट जो के प्रूवन है कि वो कोरोना वायरस के थ्रू ट्रीटमेंट के लिए इफेक्ट या क्योर कर सकता है या प्रिवेंट कर सकता है, ऐसा कोई प्रूवन नहीं है। लेकिन बहुत सारे न्यूमरस एंटीवायरल एजेंट्स हैं जो दूसरे तीसरे वायरसेस के लिए पहले बने गए थे, बहुत सारे इम्यूनोथेरेपीज हैं, बहुत सारी वैक्सीन्स हैं जो अभी इन्वेस्टिगेट की जा रही है, टेस्ट की जा रही है, डेवलप की जा रही है, थेरीज बनी जा रही है, इस पर बहुत सारा रिसर्च चल रहा है। अब इन्हीं बेसिक एंटीवायरल मेडिकेशंस, इम्यूनो मॉड्यूलेटर्स और दूसरी चीज़ों को लेके सीरियस से सीरियस पेशेंट्स के ऊपर ट्रायल चल रहे हैं, उनको ट्रीटमेंट किया जा सकता है। अब जनरल लोगों के लिए, जिनको सिंपल फ्लू है, जिनको सिंपल सर्दी है, खांसी है, जिनको माइल्ड लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक सिम्टम है, उनके लिए सिंपल बहुत सारा फ्लूइड, बहुत सारा पानी, बहुत सारा रेस्ट और सिंपल विटामिंस काफ़ी हैं, राइट। सिंपल लोजेंजल्स जो हम लाते हैं ना, विक्स ये वो लोजे, वो भी काफ़ी होते हैं कई सारे लोगों के लिए। सिंपल यानी 80-90% लोगों को इतना ही ज़रूरत है। जो 10% केसेस, 5% केसेस, जो सीरियसली इल केसेस, जो ऐसे रिस्क वाले केसेस जो उस कैटेगरी में आएंगे, जो हॉस्पिटल में आइसोलेशन में वार्ड में एडमिट होकर सीरियस होते जाएंगे, उनके केसेस में ऐसी दवाएँ यूज़ होती हैं जो एंटीवायरल्स। इसमें देर आर मैनी एंटीवायरल मेडिकेशंस, जैसे कि रामदेसिविर एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीवायरल एजेंट है जो कि एक ये रेप्लिकेशन को इनिबिट करती है कोरोना वायरस को। ये देखा गया है कुछ स्टडीज के अर्ली स्टेजेस में, इस पर स्टडीज चल रही है और इसको ही लोग इस्तेमाल किया है। वैसे Phase 3 क्लिनिकल ट्रायल्स चल रहे हैं, इसमें क्लिनिकल ट्रायल्स के भी कई सारे फेजेस होते हैं और इसको एंटी रेट्रोवायरल इवन एंटीवायरस थेरेपी के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। इसके साथ में इंटरफेरॉन बीटा दिया जाता है जब साथ में, तो उसको और सुपीरियर थेरेपी देखा जाता है। सो रामदेसिविर नाम की एक दवाई है जो इस्तेमाल की जा रही है, याद रखिएगा। इसके अलावा एक दवाई है जिसका नाम है लोपिनाविर और रिटोनाविर जो कंफर्म्ड केसेस हैं, जो बहुत सीरियस हो जाते हैं। चाइना में भी इसके ऊपर एक्चुअल रिसर्च चल रहा है और ये लोपिनाविर एक्चुअली HIV में भी इस्तेमाल होती थी और इनको कोरोना वायरस के ट्रीटमेंट में सीरियस वाले केसेस में दिया जा रहा है, जिसमें टेस्ट किया जा रहा है कि ये कितना इफेक्टिव होगा। थोड़े बहुत केसेस में इफेक्टिवनेस दिख रहा है, थोड़े बहुत में अभी रिजल्ट आने बाकी, राइट। देन ऐसे ही बहुत सारे जैसे कि रिंटाटोलीमोड, ये नाम है एक रिंटाटोलीमोड, एक टोल लाइक रिसेप्टर है जो कि अटैच होने को बचाता है पोटेंशियल। ये भी एक ट्रीटमेंट है, वायरस अटैच नहीं हो पाएगा तो ट्रीट नहीं कर पाएगा, ये भी एक तरीके का अफेक्ट नहीं कर पाएगा। तो इसलिए वायरस को रोकने के लिए कई सारे अलग अलग तरीके के एंटीवायरल्स हैं जो इस्तेमाल किए जाते हैं, राइट। जैसे कि वायरस के ट्रांस न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर्स, जैसे कि डेनोपेविर जो प्रोटीएज इनहिबिटर्स हैं, या फावीपिराविर जो वायरल आरएनए पॉलीमरेज इनहिबिटर्स हैं। अगर आप वायरल रेप्लिकेशन को पढ़ेंगे तो ये सारे स्टेप्स हैं जिनको एक एक स्टेप्स को रोकने के लिए कोई एंटीवायरस बनते हैं, वो स्टेप्स को रोकते हैं। एक एक स्टेप अगर रोकेंगे, वायरस म्यूटेट नहीं होगा, तो जो बचे हुए वायरस है उनको आपका शरीर मार पाएगा। और आपका शरीर कैसे मारता है, वो मारता है इन्फ्लामेशन करके, इन्फ्लामेटरी मॉड्यूलेटर्स। उसके लिए आपको देते हैं इंटरल्यूकिन 6 इनहिबिटर्स, क्योंकि आपके लंग टिश्यू को बहुत ज़्यादा डैमेज कर देते हैं।
होता क्या है, बॉडी बहुत ज्यादा इन्फ्लामेशन पैदा करती है, बहुत ज्यादा गर्माहट पैदा करती है, इतनी कि आपके लंग टिश्यू गर्माहट से इन्फ्लामेशन से ही डैमेज होने लग जाते हैं। इसलिए जो सीरियस पेशेंट जिनके लंग डैमेज हो रहे हैं उनको IL-6 इनहिबिटर्स दिए जाते हैं, और फिर कई सारे एंटी IL-6 रिसेप्टर मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज ये भी डेवलप हो रही है। फिर देर आर समथिंग्स लाइक क्लोरोक्वीन, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन, ये भी एंटी मलेरियल दवा है, ये इम्यूनो मॉड्यूलेटर्स हैं, ये भी ऑटो इम्यून डिजीजेस जैसे खुद की इम्यूनिटी जब आप ही के सिस्टम को मार रही होती है उस केस में इस्तेमाल होते हैं। ऐसा COVID-19 के केसेस में भी जब बहुत सीरियस साइटोकाइन रिलीज सिंड्रोम जैसे केस आता है, जैसे आप ही की बॉडी बहुत जोरदार इन्फ्लामेशन कर रही है वायरस को मारने के लिए, जिससे आप ही के शरीर को बहुत ज्यादा नुकसान होते दिख रहा है, तब फिर हाइड्रोक्लोरोक्विन या हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन या क्लोरोक्विन का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। स्टेरॉइड्स का भी इस्तेमाल हो रहा है कुछ स्टडीज में, ऐसा नहीं कि ये सब के सब इस्तेमाल होते हैं, ये क्लिनिकल जजमेंट के नॉलेज वहाँ के जो स्पेसिफिक डॉक्टर होते हैं उनका होता है कि कौन से बेसिस में कौन से केस देना है। जैसे ARDS एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम वाला वीडियो अगर आपने देखा है, तो ऐसे केसेस में स्टीरोइड्स वहाँ पर इन्फ्लामेशन कम करता है, सांस को रिलैक्स करता है, आपके रिस्क ऑफ डेथ को बचाता है, राइट। नाइट्रिक ऑक्साइड भी कई बार इन्फेक्शन के लिए पोटेंशियल रोल है, इनहेल्ड नाइट्रिक ऑक्साइड का सपोर्टिव मेजर है, जब पल्मोनरी कॉम्प्लिकेशन, लंग कॉम्प्लिकेशन, पल्मोनरी हाइपरटेंशन इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि सांस ही नहीं ले पाते, पल्मोनरी हाइपरटेंशन कम करने के लिए नाइट्रिक ऑक्साइड पे भी ट्रायल चल रहा है। इसके अलावा कई सारे इम्यूनो मॉडरेटर्स हैं जिन पे ट्रायल चल रहा है, जैसे कि एफिनपोडिल जो कि ARDS और लंग इंजरी में काम आता है, जैसे कि रेमिस टेंस और TJM2, एंटी SARS-CoV पॉलीक्लोनल हाइपर इम्यून ग्लोबुलिन, CLSCI कॉपरेशन की दवाइयां, इम्यूनोथेरेपी के बहुत सारे मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज, बायोटेक्नोलॉजिकल एंटीबॉडीज, वेस्क्यूलर लीकेज थेरेपी, बहुत सारी थेरेपीज हैं जो अलग अलग स्पेसिफिक कंडीशंस में मेडिकल प्रोफेशनल्स स्पेशलिस्ट्स आपको दे सकते हैं। सो ट्रीटमेंट उस केस में अवेलेबल है जो आपके शरीर को, जैसे बिल्कुल जैसे अगर मान लीजिए बहुत ज़्यादा डैमेज हो रहा है शरीर को, उसको रोकने के लिए, आपके शरीर को वक्त देने के लिए, हील होने के लिए सपोर्टिव ट्रीटमेंट के साथ ये सारे ट्रीटमेंट भी चलाए जा सकते हैं। मगर याद रखिए इनमें से कोई भी ट्रीटमेंट अभी तक प्रूवन नहीं है, ये सब रिसर्च वर्क चल रहा है ताकि ऐसी कोई स्पेसिफिक गाइडलाइन बन सके जिससे कि आगे चल के अगर ऐसा वायरसेस के लिए जान बचाई जा सके, ना सिर्फ ये COVID-19 अगर आगे भी कभी किसी को सीरियसली हील करता है तो उसको बचाया जा सके। सो याद रखिए, देखिए मेडिकल साइंस रिसर्च पे काम करती है, अगर आप इनमें से किसी भी मेडिसिन के बारे में रिसर्च करना चाहें तो खुद आप WHO, CDC या ऐसी कोई वेबसाइट्स मेडलाइन प्लस, मेडस्केप्स या नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन पे जाके इनके बारे में सर्च कर सकते हैं, इनके बारे में पढ़ सकते हैं। ऑब्वियस सी बात है हर दवा के कुछ साइड इफेक्ट होते हैं, इसलिए ये दवाई सबको नहीं दी जाती। जो सेफ दवाई है जैसे फाविलाविर, वो चाइना में भी उन्होंने अप्रूव कर दी थी फाविलाविर देने के लिए, जो बीच में हमने H1N1 के लिए भी अप्रूव की गई थी, इसके लिए भी कोरोना के लिए भी अप्रूव की गई, ऐसी ही कोई दवा है, ठीक है, फाविलाविर, तो फाविलाविर अप्रूव की गई थी वो लेने के लिए, सो वो दी जा सकती है। लेकिन ऐसी सीरियस दवाएं सिर्फ सीरियस पेशेंट्स पे ट्राई की जाती हैं जब हमें लगता है पेशेंट हाथ से निकल जाएगा। सो याद रखिए, ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल वहां पे जहां आप भर्ती है वहां के सीनियर मोस्ट डॉक्टर डिसाइड करते हैं, आप अपना भरोसा उन पे रखिए, भरोसा दिखाइए। ये नया वायरस है, कॉम्प्लिकेटेड वायरस है, और ऐसे बहुत से कॉम्प्लिकेटेड वायरस है, इसमें ट्रीटमेंट पॉसिबल है, बचने के चांसेस बहुत अच्छे हैं, लेकिन जिनको रिस्क होता है, जो नहीं बचते, उन कुछ लोगों के लिए प्रिवेंशन बहुत जरूरी है। याद रखिए, इट्स नॉट अ डेड सेंटेंस, आपको होगा तो आप मरोगे नहीं, 90% 95% चांसेस है कि अगर आप यंग है तो आपको कुछ नहीं होगा, मुश्किल से 40 के नीचे 0.5% की डेथ रेट है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, अगर आपके कोई सवाल हैं तो ज़रूर लिखिए, और किसी भी प्रकार के क्वेश्चंस का सवाल का जवाब दिया जाएगा। थैंक यू, स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्दी।